गोली चला रहे हैं तो उनका सर्वनाश निश्चित है। खलेजी यदि ये चीज कर रहे हैं तो ये उनका सर्वनाश निश्चित है, इसको जानिए। हम अपने शब्दों में यही कहना चाहेंगे कि अखिलेश यादव जी, जहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, मुस्लिमों की आबादी है, वहां पर अखिलेश यादव जी की ही राजनीति चलती है। और एक ये पहली बार की बात नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है कि जहां पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है वहां पर अखिलेश यादव जी कभी ना कभी अपना वो है जो फंडा है वो फोड़ ही देते हैं। बेटा आप अभी छोटे हो, राम गोपाल की पत्नी इस समय काफी सदमे में है, उनको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो राम गोपाल मिश्रा जी हैं उनको उनकी पत्नी को इंसाफ मिलना चाहिए। हम माननीय योगी जी से यही अपील करेंगे कि जो राम गोपाल मिश्रा जी हैं उनके सारे परिवार को सांत्वना देने की कोशिश करें, और जिन्होंने राम गोपाल मिश्रा जी पर गोलीबारी की है उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं। यदि कानून हमें मानेगी तो हम भी कानून को मानेंगे, पक्का। और अगर कानून हम लोगों को नहीं मानेगी तो हम लोग भी अपना जो है उतर जाएंगे रणभूमि में। क्या कहता है महाराज जी? हम पहली बात हिंदू शांति का ही प्रतीक चाहता तो हम शांति का ही मंत्र बोलेंगे, शांत हो जाए, नहीं तो फिर एग्जाम जो बहुत होगा तगड़ा। ओम द्यौ हौ शांतिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शांति रे धे। हम सब शांति का प्रतीक चाहते हैं, यदि शांति नहीं बनाएंगे तो फिर कारनामा बहुत बड़ा होगा, ये जान लीजिए आपके माध्यम से कह। बहुत बहुत धन्यवाद, शांति का यहाँ प्रतीक दिया गया। अगर माता की, हिंदू राष्ट्र की, अखंड भारत की, नव पार्वती पते। हाँ हाँ।